जैसे हमारा एक ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या है, एक एन प्लस वन डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है, ठीक, जिसमें ओवर आर जिसकी बेसिस क्या दे रखे हैं, ई वन ई टू ई थ्री अप टू ई एन प्लस वन, ठीक, ये इसकी बेसिस हो गई हमारी। अब इसमें बी टू बी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, देन हमें क्या करना है, इसमें दो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, टी ई वन टी ई आई इक्वल टू ई आई प्लस वन, टी ई एन प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमें क्या दे रखा है, यानी हम यदि टी ई आई यानी कि टी ई वन निकालेंगे तो वो इक्वल टू क्या होगा, टी वन प्लस वन इक्वल टू ई टू पे जाएगा वो, टी ई थ्री निकालें यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन तो वो क्या होगी, टी ई फोर होगी, इस तरीके से ई टू हमारी किस पर जाएगी, ई थ्री पर, तो इसी तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। जैसे हमारा ये हम बना भी लेते हैं मैट्रिक्स, लेकिन हाँ दूसरी एक लास्ट कंडीशन क्या गिवन है हमें, टी ई एन प्लस वन यानी कि जो हमारा आखिरी वाला होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये हमें यहाँ पर गिवन है, यानी कि टी ई एन तक क्या होगा, टी ई एन हमारा क्या हो जाएगा, टी ई एन प्लस वन, लेकिन जैसे टी ई एन प्लस वन क्योंकि यहाँ पे एन प्लस वन डायमेंशन दे रखी है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। तो इसकी हम जैसे मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स आई टी ई वन टी ई टू टी ई थ्री, इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स आएगी। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ जिससे हमें क्वेश्चन भी दिख सके, ये मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया, यहाँ पे ई वन ई टू ई थ्री होगा, ठीक। अब जैसे हमें टी ई वन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ई टू पर केवल वन और सब जगह जीरो, ठीक। इसी तरीके से हमें टी ई टू निकालना है यानी कि थ्री पर वन और सब जगह जीरो, ये अप टू कहाँ जाना है, अप टू एन प्लस वन, ठीक। इसके बाद हमारा यदि हम बात करें टी ई थ्री का तो यहाँ पर फोर पर वन आ जाएगा और सब जाएगी जीरो, ये वन नहीं है, अब टू वाला साइन है। इसी तरीके से फाइव की बात करेंगे तो फोर पर बात करेंगे तो फाइव पर वन और सब जाएगी जीरो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। अब हमारा जैसे हम एन प्लस वन जाएंगे, सपोज हम एन प्लस वन पहुँच गए तो वहाँ पर जाके सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, हमारी ये वन वाली नहीं, ये जीरो वाली जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी ऐसे, ठीक। और डायगोनल मैट्रिक्स से क्या हमारा आता है, ट्रेस। उसके अलावा हम क्या देख पा रहे हैं, ये किस तरीके की मैट्रिक्स है, एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन, इस तरीके से हम बढ़ते ही जाएंगे, हम पूरी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो अब हमें बताना क्या है, ट्रेस ऑफ टी, ये हमारी टी मैट्रिक्स तो बननी है, टी इक्वल टू ट्रेस ऑफ टी इज नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि इसके डायगनल एलिमेंट पर सभी क्या है, जीरो, और ट्रेस क्या होता है, डायगनल एलिमेंट का सम, तो वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा जीरो, ठीक। सेकेंड है हमारा रैंक ऑफ टी इज एन, ये बात सही है, रैंक ऑफ टी हमारी क्या है, एन, क्यों, क्योंकि हमारी एन प्लस वन रो है, एन प्लस वन कॉलम है। अब हमारी रैंक क्या होती है, जितने भी हमारी नॉन जीरो रो या कॉलम हो, यहाँ पे यदि हम कॉलम की बात करें, यहाँ पे ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी इसी तरीके से आगे भी नॉन जीरो आएंगे, पर एक जो हमारा एन प्लस वन वाला है वो हमारा क्या बन जाएगा, जीरो, यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम क्या होगा, हमारा इक्वल टू एन, एन यही हमारी रैंक होती है, या तो हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लें या नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम, तो ये हमारा सेकंड वाला क्या हो गया, यहाँ से सही। अब नलिटी ऑफ टी इज हमारा इक्वल टू वन, अब हमारा क्या होता है, नलिटी किसी मैट्रिक्स की, कोई मैट्रिक्स टी है प्लस
उसकी हमारी क्या रैंक ऑफ टी इक्वल टू क्या होती है एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस वन है। एक सेकंड मैं पकड़ लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा एन एन प्लस वन, ठीक। यहाँ पर हमारी ये क्या है एन प्लस, हमें वो सॉरी नलिटी हमें निकालनी है, मान लो एक्स मान ली, रैंक हमारी क्या निकल के आई है एन, ठीक। और हमारी टोटल ये क्या है एन प्लस, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से वन, ये आ गई हमारी नलिटी। नलिटी प्लस रिंग इक्वल टू हमारी क्या होती थी नंबर ऑफ वो जो हमारे ऑर्डर होता है उसका एन का, यहाँ पे एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन है तो ये एन प्लस वन हो गया, ठीक। तो इस वजह से यहाँ की इस पर इसकी नलिटी क्या आ गई वन। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है नलिटी ऑफ टी इज वन, ये सही है हमारा। तो इस तरीके से, और ये हमारा क्या है टी की पावर यदि हम एन टाइम्स करें तो वो हमारा इक्वल टू जीरो पे मैप हो जाएगा, यानी कि हम ये बोल रहा है कि ये एक तरीके से निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन गई। तो हम इसकी कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक्स की, ये हमारी कभी भी जीरो नहीं बनेगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, क्योंकि हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स ही होती है, इसकी हम मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं हम एक, तो हमारी ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनकर, या फिर कम से कम एक रो तो हमारी नॉन जीरो हमेशा रहेगी, ये जीरो कभी भी नहीं बनेगी। तो ये था क्वेश्चन हमारा CSIR NET 2012 का।